करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त राकेश सिंह को पिपराई थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नकद किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रवि कुमार गर्ग का गोरखपुर पहुंचने पर जनपद के व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। कहा, प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद बिना डर के व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार, व्यापार को मिला है बढ़ावा। यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात एवं अनुशासन का पढ़ाया पाठ। कहा, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वह पुलिस का जवान हो या आम नागरिक, सभी करें रोड सेफ्टी नियमों का पालन। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों रुद्र गुप्ता, आकाश गुप्ता और किशन शर्मा को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन का करेगा आयोजन। किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ उतरेगा मैदान में ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में 100% सीटें जीत सके भाजपा। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने दी जानकारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के ठीक होने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की मौजूदगी में परिजनों को किया गया सुपुर्द। एसपी सिटी ने कहा, अब तक एनजीओ द्वारा 90 से अधिक महिलाओं को उनके परिजनों से मिलवाना है, बहुत ही अच्छा कार्य। बाईस से 26 नवंबर तक पूर्वांचल में आयोजित होगी बुद्ध से कबीर तक यात्रा। जनता और युवाओं के बीच भारत की सांझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सही तरीके से पहुंचाना है यात्रा का उद्देश्य। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक एवं गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने दी जानकारी। एक शातिर वांछित लुटेरे फरहान अंसारी उर्फ छोटू को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, भेजा जेल। और जिटा शंकर गुरुद्वारा के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 65 से अधिक नागरिकों ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर करवाया निःशुल्क जांच। जिटा शंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, आगे भी आयोजित होगा इस तरह का शिविर।